जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? मणिपुर तो झांकी है, अभी पूरा देश जलना बाकी है। प्रधानमंत्री एक जिंदा लाश है जिसके अंदर संवेदना खत्म हो चुकी है। दुख तो दुख जाहिर किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा कि पूरा देश शर्मसार है, दुख जाहिर किया आकर के। क्या नरेंद्र मोदी शर्मसार है? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे अगर शर्मसार है तो? एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में है जिस जो अपने खुद की पत्नी को विधवाओं की तरह जीने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी अपनी महिला का जो सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपने धर्म पत्नी का सुरक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की महिलाओं की सुरक्षा करेगा? अब जाके देखिए मणिपुर का हाल क्या है, जले हुए घर, सड़ती हुई लाशें, और उस पर भी नरेंद्र मोदी चुप है। ये शर्मनाक है, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं। दुख कहाँ? उन्होंने दुख तो जाहिर किया, आया 36 सेकंड बोलते हैं मणिपुर पर। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। देख सकते हैं आप, कुकी महिला, कुकी लोग यहाँ पर, कुकी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। जिस तरीके से मणिपुर में आगजनी हो रही है, जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा भड़का हुआ है, लगातार वहाँ पर जो है महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। यहाँ से ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अतुल त्रिपाठी जी से बातचीत करते हैं। किस तरह देख रहे हैं मणिपुर के मामले को? लगातार महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, लगातार वीडियो आ रही है, लेकिन मामला थमने को तैयार नहीं है। कि जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहा ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया। अब देखिए और समझिए कि मणिपुर तो झांकी है, अभी पूरा देश जलना बाकी है। और जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस की फूट डालो राज करो की नीति पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है, ये तो कह रहा हूँ कि मणिपुर बहुत छोटा अभी हिस्सा है। जिस तरीके से नफरत बोई जा रही है, और क्या है मणिपुर का मामला, देश को समझना चाहिए कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, आज हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत बोई जा रही है, उसी तरीके से मणिपुर में मैतई और कुकी के बीच में नफरत बोई गई, और इतनी नफरत बोई गई कि आज वहाँ हालात बद से बदतर हैं। आज हालात ये हैं कि वहाँ कुकी महिलाओं को नंगा, सरकार तो ये कह रही है कि निजी मामला है उनका, निजी लड़ाई है। देखिए, कोई लड़ाई इस देश में निजी नहीं होती है, ये स्वार्थ की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी के कुर्सी की लड़ाई, गुटों की लड़ाई बताई जा रही है। देखिए, मुझे तो लगता है इस देश का प्रधानमंत्री एक जिंदा लाश है जिसके अंदर संवेदना खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर संवेदना मर चुकी है, जो निर्दयी हो चुका है। तो यही कह रहे हैं कि 70 सालों के बाद कोई बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है। ऐसा निठल्ला बेशर्म प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। और आप ही थे, आप ही की मीडिया थी, इसी सड़क पर आपने देखा भारत माता की बेटियों को, देश की पहलवानों को किस तरीके से घसीटा गया। आप ही की मीडिया थी, देश के बॉर्डरों पर किस तरीके से किसान तड़प तड़प के मरता रहा। आप ही का चैनल है आज किस तरीके से मणिपुर जल रहा है, और लगातार 80 दिनों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है। दुख तो जाहिर किया ना उन्होंने, दुख जाहिर किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा कि पूरा देश शर्मसार है, दुख जाहिर किया आकर के। क्या नरेंद्र मोदी शर्मसार है? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे अगर शर्मसार है तो? आप समझिए, खाने के और दिखाने के और। ये मैं आपको बात बताऊं कि इस दौर के सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्तियां भी जलाना है और मातम भी मनाना है। आज जो नफरत ये बो रहे हैं, जो नफरत इन्होंने बोया है सालों तक, उसी नफरत का हश्र है कि आज मणिपुर जल रहा है। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं जल रहा है, मेघालय जल रहा है, सिक्किम जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, और धीरे धीरे ये पूरा देश जलेगा अगर इस देश की जनता जो है इस प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकने का काम। महिलाओं के साथ जो शोषण किया गया है, निरस्त करके जो घुमाया गया, वीडियो आपने देखी होगी, पूरा देश वीडियो देखकर गुस्से में है। कहना क्या चाहते हैं? महिला जिस देश में बेटी बचाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगते हैं, उसी देश में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। लेकिन शर्मनाक है, हम बार बार कह रहे हैं
कि जिस तरीके से इस देश में महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, ये इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए खतरनाक है। क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में है जो अपने खुद की पत्नी को विधवाओं की तरह जीने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी अपनी महिला का जो सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपने धर्म पत्नी का सुरक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की महिलाओं की सुरक्षा करेगा? बेमानी है। अगर कोई ऐसा समझता है तो मैं समझता हूँ ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो लगातार जो हिंसा चल रही है, पूरा मणिपुर जल रहा है, क्या समाधान क्या है, किस तरह मामला थमेगा? समाधान यही है कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, नफरत फैल चुकी है, हिंसा फैल चुकी है, भाईचारा टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है, और ये भाईचारा विश्वास एकता सालों तक बनाने पर बनती है, ये एक दिन में नहीं बनती है। आज आप जाके देखिए मणिपुर का हाल क्या है, जले हुए घर, सड़ती हुई लाशें, और उस पर भी नरेंद्र मोदी चुप हैं। ये शर्मनाक है, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं दुख कहा। उन्होंने दुख तो जाहिर किया, 36 सेकंड बोलते हैं मणिपुर पर और 36 मिनट बोलते हैं राजस्थान पर। कितने शर्म की बात है कि आज जिस जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसे मणिपुर में जाते थे जब सरकार नहीं थी तो कहते थे मणिपुर का बेटा हूँ, मणिपुर से मेरा गहरा संबंध है। आज जब मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री कहाँ सो रहा है?